खुशी पांडे फ्रॉम जस्टिस फॉर सोसाइटी। आज हम बात करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी के अंदर हमारा टॉपिक आता है रेप का, जो हमारा सेक्शन 375 एंड सेक्शन 376 के अंदर कवर होता है। जैसे कि टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसे हम दो वीडियोस में कवर करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को समझेंगे कि डेफिनेशन के अंदर मतलब क्या लिखा हुआ है, कि रेप का जो चार्ज लगाया जाता है वो कब कब सर्कमस्टेंसेस के अंदर लगाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सेक्शन 376 के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर हमारा एक चैप्टर नंबर 16 आता है, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी के अंदर सेक्शन 299-377 तक कवर होता है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सेक्शन 375 का, जो रेप के चार्ज के बारे में डिफाइन करता है कि रेप का चार्ज अगर पर्सन पे लगता है तो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस अगर ऐसे सामने आते हैं तो रेप का चार्ज लगाया जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि सेक्शन 375 में हमें बताता है, अगर कोई भी लड़की, इफ She has a sexual intercourse, अगर किसी भी लड़की के साथ sexual intercourse हुआ होता है तो उसे हम रेप बोलते हैं। अब इसके अंदर दो बातें आएंगी। सेक्सुअल इंटरकोर्स दो तरीके से हुआ होता है, या लॉफुल तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। बट अगर अनलॉफुल तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स उस लड़की के साथ हुआ होता है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा सेक्शन 375 के अंदर। अब बात करते हैं, जो रेप का चार्ज लगाया जा रहा है वो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस आएंगी जो प्रूव करेंगी कि ये सर्कमस्टेंसेस अनलॉफुल थी। अब हमें सात बातें बताई गई हैं आईपीसी के बेयर एक्ट के अंदर। सबसे पहली बात करेंगे अगेंस्ट हर विल, मतलब उसकी मर्जी के बगैर, इच्छा के बगैर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स उस लड़की के साथ हुआ है तब रेप का चार्ज लगाया जाता है उस बंदे के खिलाफ। दूसरी बात, विदाउट हर कंसेंट, मतलब लड़की की कंसेंट के बगैर, सहमति के बगैर या मंजूरी के बगैर किसी भी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई लड़का करता है या कोई मैन करता है तब उस आदमी के ऊपर सेक्सुअल इंटरकोर्स का, रेप का चार्ज लगाया जाएगा सेक्शन 375 के अंदर। तीसरी बात, विद हर कंसेंट, मतलब लड़की की सहमति ली है, अगर लड़की की मंजूरी ली है और तब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तब भी रेप का चार्ज लगाया जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब लड़की की मंजूरी ली है तो क्यों रेप का चार्ज लगाया जाएगा? तो वो ऐसे लगेगा कि कंसेंट ली है, कंसेंट ऑब्टेन बाय पुटिंग हर इन फियर। अगर किसी लड़की की हमने सहमति ली है, अगर किसी लड़के ने किसी लड़की से सहमति ली है लेकिन उस लड़की को डर पहुंचाकर कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, तो ये वो रेप की कैटेगरी में आएगा और उस पर रेप का चार्ज लगेगा सेक्शन 375 के अंडर। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर, मतलब विद हर कंसेंट। इसमें भी लड़की की सहमति ली है, मतलब इसमें ये लिखा है कि मेक अ गर्ल बिलीव दैट शी इज लॉफुली मैरिड विद हिम, मतलब लड़की को किसी लड़के ने यह बिलीव दिलाया है कि हमारी शादी हो चुकी है पहले कभी, और वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हें याद नहीं है हमारी शादी पहले कभी हो चुकी है, तो ऐसे बिलीव दिलाने पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, इसमें भी रेप का चार्ज लगेगा सेक्शन 375 के अंदर। अब इसमें एक बात आती है सेक्शन 493 आईपीसी मॉक मैरिज का, जिसके अंदर एक बात आती है कि कोई भी ऐसी मैरिज शो करी जाती है
एक लड़के ने एक लड़की को भरोसा दिलाकर कि हमारी आपस में शादी पहले हो चुकी है और वो लड़का उस लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उस लड़की को बाद में पता चलता है कि वो उससे झूठ बोल रहा था और उसको फंसाया गया है, तो उस लड़के को 10 साल की सजा मिलेगी। आईपीसी के अंडर मेंशन करी गई है 493 में। अब हम आते हैं अपने 6th पॉइंट पे, विद और विदाउट कंसेंट अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स। मतलब कोई लड़की है जिसकी कंसेंट है और नहीं भी है और वो अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स है, तो वो सेक्शन 375 में रेप का चार्ज लगेगा। सपोज कोई लड़का है और वो एक लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसके ऊपर रेप का चार्ज लगेगा अगर लड़की 18 साल से कम है, सेक्शन 375 के अंडर। और अगर लड़की का कंसेंट नहीं है तो वो लाइबल होगा विदाउट हर कंसेंट में, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। अब हम आते हैं अपने 7th पॉइंट पे, व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट फिजिकली हैंडीकैप्ड और सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर। इसका मतलब अगर कोई लड़की है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है या वो हैंडीकैप्ड है तो उसकी वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, तो अगर कोई लड़का तब उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो लायबल होगा सेक्शन 375 के अंडर रेप के चार्ज में और उसके ऊपर रेप का चार्ज लगाया जा सकता है। तो ये जो 7 सिचुएशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं रेप की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए। अगर कोई रेप का चार्ज लगाता है तो इन सिचुएशंस में कैटेगराइज करा जाएगा। अब इसमें एक बात आती है, एक्सेप्शन नंबर 2। जब हम सेक्शन 375 पढ़ेंगे तो उसमें एक्सेप्शन नंबर 2 लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। हस्बैंड कमिट्स सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ एंड वाइफ इज बिलो द एज ऑफ 15 इयर्स टू, सो इट अमाउंट्स टू रेप। मतलब अगर कोई हस्बैंड वाइफ है और जो वाइफ है उसकी एज 15 साल से कम है और हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसमें वाइफ की कंसेंट नहीं है तो लड़की अपने हस्बैंड के खिलाफ रेप का चार्ज लगा सकती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, लड़की की एज 15 साल से कम होनी चाहिए तभी रेप का ऑफेंस माना जाएगा। अब इसमें एक चीज और लिखी है, हस्बैंड कमिट सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ एंड वाइफ इज अबव द एज ऑफ 18 इयर्स सो इट डजंट अमाउंट टू रेप बट इट मे बी मेंटल और फिजिकल क्रुएलिटी बाय हस्बैंड। मतलब अगर वाइफ की कंसेंट नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स में और वाइफ की एज 18 साल से ऊपर है तब रेप का चार्ज नहीं लगेगा बट फिजिकल क्रुएलिटी और मेंटल क्रुएलिटी का चार्ज लगेगा। अब आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकते हैं और मैं अपनी अगली वीडियो में सेक्शन 376 मतलब पनिशमेंट्स ऑफ रेप के बारे रेप के टॉपिक को डिस्कस करूंगी। उसमें सारी पनिशमेंट्स बताऊंगी कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में कौन कौन सी पनिशमेंट मिलेगी और कितने साल की पनिशमेंट मिलेगी, तो आप हमारे उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।